नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से हमेशा ही चर्चाओं में बनी रहती हैं। कंगना को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो ट्रोल होंगी या फिर नहीं, वो बेबाकी से अपनी राय सभी के सामने रख देती हैं। बीते कई दिनों से कंगना अपनी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट के लिए तरस रही हैं। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास करने से मना कर दिया। फिल्म के कुछ सीन्स पर विवाद हो रहा है, जिसकी वजह से कंगना की फिल्म इमरजेंसी रिलीज के लिए तरस रही है। इसी बीच कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ऐसी पोस्ट की है जिसके बाद आलिया भट्ट को गुस्सा आ सकता है। दरअसल इस हफ्ते थिएटर्स पर आलिया भट्ट की वुमेन सेंट्रिक फिल्म जिगरा रिलीज हुई है। आलिया ने अपनी इस फिल्म को वुमेन सेंट्रिक बताकर ही हर जगह प्रमोट किया है। जिगरा के ट्रेलर को देखकर ऐसी उम्मीदें की जा रही थी कि आलिया की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी, लेकिन जिगरा की रिलीज होते ही उसका डिब्बा गोल हो गया है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। बताया जा रहा है कि फिल्म ने पहले दिन 4.25 करोड़ रुपए की कमाई की। आलिया भट्ट बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं। उनकी पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन जिगरा उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई है। अब जिगरा की रिलीज होते ही कंगना ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई जिससे हंगामा मच गया। कंगना ने अपनी स्टोरी पर लिखा, जब आप वुमेन सेंट्रिक फिल्मों को बर्बाद करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो बॉक्स ऑफिस पर कमाई ना कर पाए, तो वो कमाई नहीं कर पाती, तब भी जब आप खुद उन्हें बनाते हैं। फिर से पढ़िए, धन्यवाद। अब कंगना ने अपने इस पोस्ट में ना तो फिल्म जिगरा और ना ही आलिया का जिक्र किया, लेकिन कंगना की बातों को आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा से जोड़कर देखा जा रहा है। आलिया की फिल्म जिगरा को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं। ऊपर से बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास ओपनिंग नहीं ले पाई। ऐसे में कंगना ने जिस तरह से पोस्ट की है उसे आलिया से ही जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि कंगना ने आलिया पर फिर खेली है। आपको बता दें, कोई पहली बार नहीं जब कंगना ने आलिया भट्ट पर तंज कसा हो। इससे पहले साल 2022 में आई एक्ट्रेस की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर भी कंगना ने काफी कुछ कहा था। एक्ट्रेस ने फिल्म की कास्टिंग और प्रोडक्शन की काफी आलोचना की थी। कंगना ने इसे 200 करोड़ी फ्लॉप फिल्म बता दिया था। हालांकि आलिया की फिल्म गंगूबाई ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी, लेकिन आलिया के जिगरा का हाल पहले ही दिन बेहाल हो चुका है। आपको बता दें कि फिल्म जिगरा की कहानी भाई बहन के बॉन्ड पर बेस्ड है। फिल्म में दिखाया गया है कि आलिया किस तरह से विदेश में बंद अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है। फिल्म के ट्रेलर को तो दर्शकों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। फिल्म जिगरा को आलिया भट्ट ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। बसंत बाला के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को आलिया भट्ट की पहली बार एक्शन फिल्म करते हुए वो नजर आ रही थी। फिल्म में आलिया की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि जनता की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिल्म में वेदांग रैना ने भी ठीक ठाक काम किया है। आलिया और वेदांग के अलावा फिल्म में मनोज पहवा और आदित्य नंदा भी अहम रोल में नजर आए। आपको बता दें कि आलिया की इस फिल्म के साथ राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की कॉमेडी फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो भी रिलीज हुई। दोनों की ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। यही वजह है कि आलिया की फिल्म जिगरा की कमाई पर बुरा असर पड़ रहा है। वैसे जिस तरह से कंगना ने आलिया भट्ट पर तंज कसा है, उसे सभी ने चौंका दिया है। इस तंज पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।